चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां बीजेपी का संगठन की कसावट पर फोकस। मंडल स्तर तक होगी संगठन के कार्यों की समीक्षा, सभी जिलों की कार्य समिति आयोजित होगी। आज से 12 जुलाई तक कार्य समिति का आयोजन, मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठक होगी। 10 से 15 जुलाई तक बैठकों का दौर चलने वाला है। बैठक में चुनाव में हारे बूथों पर चर्चा होगी। 20% बूथों को जीतने का मंत्र दिया जाएगा। प्रदेश स्तरीय कार्य समिति में कार्यक्रम जो है तय हुए हैं, कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक ले जाने पर मंथन भी होगा। तो बीजेपी का संगठन की कसावट पर अब फोकस है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे हमारे सहयोगी रिजवान, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रिजवान, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं संगठन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है पार्टी। बिल्कुल, सीधे तौर से संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। हमने देखा था प्रदेश स्तरीय जो कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें तमाम जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो बूथ स्तर के जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वे सभी बैठक में शामिल हुए थे। प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक में कार्यक्रम किए हुए थे, उनको बूथ स्तर पर ले जाने के लिए जो मंथन हो रहे हैं, उस पर जो है काम किया जा रहा है। जबकि 15 जुलाई से मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठकों का दौर चलेगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर बीजेपी ने हार का सामना किया है, ये सब बूथ मिले हैं, उन पर जो है चर्चा की जाएगी। 12 जुलाई तक सभी जिलों में जो है कार्य समिति की जो बैठकें हैं वो आयोजित की जाएंगी। मंडल स्तर तक जो है संगठन को कार्य की समीक्षा किस तरह से करें, किस तरह से कसावट जो है संगठन में हो, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मंत्र दिया जाए चुनाव में जो है काम करने के लिए, और जिन बूथों पर जो है भाजपा ने हार का सामना किया है या कम वोट मिले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है बूथ पर जो है मजबूती बनाने की बात कही है, यही बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के कहते हैं, और इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। 2 दिन पहले कार्य समिति की बैठक की गई, इसमें जो कार्यक्रम तय हुए थे, जो मंथन किया गया था, उन चीजों को रखते हुए अब 10 से 12 जुलाई तक जो है बैठकें की जाएंगी और बड़े जो नेता है और कार्यकर्ता है वो इस बैठक में शामिल होंगे। बने रही हमारे साथ रिजवान, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो राजधानी भोपाल से आपको खबर बताई, जहां अब समीक्षा बैठकें और जो है आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है पार्टी में, बीजेपी में। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की खबर, जिस तरह से रिजवान ने भी जानकारी दी, बूथों पर पार्टी का फोकस है। और शुरू से ही हमने देखा कि बूथों पर पार्टी लगातार फोकस बनाए नजर आई है, और जिसका परिणाम हमने देखा कि चुनाव में जिस तरह से जीत हुई,